हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है हमारे फिल्लर फॉर्म चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। एग्जाम हो चुके हैं, सबके मन में एक ही सवाल है कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा और कितना नंबर हमको लाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों जिन्होंने अभी तक फिल्लर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग फिल्लर फॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर आपको ऐसे ही अपडेट। वहीं दोस्तों 2024 का नया पैटर्न, नए बेस पर सिलेबस जारी की गई क्लासेस भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी एडवाइस, कोई भी आइडिया लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, वहीं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2022 के अंदर पॉलिटिकल साइंस में ओबीसी के अंदर जो नेट का कट ऑफ गया था वो 55% गया था, मतलब अराउंड 165 नंबर के अराउंड, जहां पर 752 लोगों का नेट क्वालिफाई हुआ था। वहीं अगर मैं बात करूं जेआरएफ की तो जेआरएफ का जो कट ऑफ गया था वो 64 गया था, मतलब नेट एग्जाम से 9% ज्यादा, जहां पर 79 लोगों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि दोस्तों अराउंड 9% का आंकड़ा होता है, 9% मतलब दोस्तों यहां पर होता है 27 नंबर का आंकड़ा हमेशा आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं 2023 के अभी जून के बारे में बात करूं, जहां पर दोस्तों साफ दिया गया कि पॉलिटिकल साइंस और ओबीसी का नेट में 683 लोगों का नेट क्वालिफाई हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं जेआरएफ में 88 लोगों का क्वालिफाई हुआ है। तो ये जो नंबर है दोस्तों ये हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग अनुमान ये लगा सकते हो कि इस बार जो नेट एग्जाम क्वालिफाई होगा उसमें काफी लोगों का नेट क्वालिफाई होने के चांसेस ज्यादा है। कट ऑफ की मैं बात करूं तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो कट ऑफ 64 अराउंड गया है, तो यहाँ मान के अनुमान लगा लीजिए कि आपका अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको 180 नंबर लाना होगा ओबीसी के अंदर। 180 में आपका नेट क्वालिफाई होगा, वहीं 200 अराउंड जेआरएफ क्वालिफाई होगा। अब एक चीज तो दोस्तों आप कोई भी सब्जेक्ट से हो आपको पता होना चाहिए कि 200 नंबर ही प्लस हमारा यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई होगा, 200 नंबर हमें लाने ही होंगे। और दोस्तों ये सिलेबस के ऊपर भी डिपेंड करता है, कट ऑफ के ऊपर भी करता है, सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आजकल इतना बढ़ गया है कि हर जगह आपको प्रॉब्लम्स आती है और आजकल कंटेंट इतना हो गया है कि आप लोग कहीं से पढ़ सकते हो। तो डिपेंड ऑन कि आपका अगर आपको 180 नंबर आते हैं, जब आपकी चैलेंज आंसर की आएगी तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको 180 नंबर अराउंड आते हैं, दो तीन नंबर आगे, दो तीन नंबर पीछे, तो आप कंफर्म हो कि आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। वहीं अगर आपके 200 नंबर के आसपास आते तो आपको कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है तो प्लीज आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वहीं दोस्तों फिल्लर फॉर्म का नया बेस जल्दी ही शुरू होने वाला है, आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।